कह रहे हैं कि पुलिस चेकिंग कर रही है, तो बाहर यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, 4 बजे के बाद जाएंगे, सुबह सुबह जब उजाला फैल जाएगा बाहर नहीं जाएंगे। वहाँ तक खबर आई है कि आप लोग बाहर ना निकलेंगे, अगल बगल में चेकिंग चल रही है। अब किस बात की चेकिंग है मुझे नहीं मालूम, ये लोग कह रहे हैं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। बहरे हजरत शहबाज अदा नूरी 1 घंटा लगभग पढ़े, ये आपने थका दिया है, अभी ये अगले जलसे के लायक नहीं रह गए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ दिया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये क्या कह रहे थे भाई, कह क्या रहे थे, फिर सुनो। बहर रहमत की मौज निकली है, बहर रहमत की मौज निकली है, मुजाहिदे मिल्लत की फौज निकली है, मुजाहिदे मिल्लत की फौज निकली है। अरे बैठो ना यार, बट ये वो पुलिस के नाम सुनिए चेकिंग, तो परेशान हो गए, गजब आ रहा है। एक पुलिस चेकिंग, वो अपनी ड्यूटी कर रहा, तुम अपनी ड्यूटी करो यार। अगर मेरे को चेकिंग करना है तो कदम आई हलचल सिवानी, क्या घबराहट है भट बड़े यार। इन हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए, इन हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए, इतना ये खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए। इस वक्त माल हमारी झोली में बहुत है कि लेने का आपको तरीका नहीं है यार। हम तो ऐसा शेर पढ़ें 80 साल का बूढ़ा जवान हो जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत शानदार पढ़ रहे थे हजरत शहबाज अदा नूरी साहब, उनके हवाले से एक शेर, अजमत बाबू एक शेर सुनाता हूँ, शेर सुनिए, अच्छा लगेगा तो आप बोलना, नहीं अच्छा लगा तो मेरा शेर वापस कर देना। जो चाहते हो जमाने में तब दबा रखना, क्या कहना। इब्राहिम रजा चतुर्वेदी जी, नेपाली शहजादा, नेपाली बाबू, नेपाली माल, ये है बाबा धर्म। सुनिए गए एकदम विदेशी माल है, बाहर है, इंसान में इनका वेलकम है, स्वागतम, एकदम इनके हवाले से एकदम नेपाली नोट निकालिएगा, नेपाली में भजेगा। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, जो चाहते हो, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना। बाबा बाबा, अपने मोहल्ले क्या कहना बाबा, अहमद रजा रखना। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें शहबाज अदा की खुशबू आ रही है, इसमें दवा महक रही है, दवा नेपाल की दवा है, नेपाली नोट है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, हम काठमांडू में ले जाकर भजा लेंगे। बाबा आला हजरत से प्यार करते हैं हम लोग, मैं भी करता हूँ, शेर सुने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं अहले वफा के सामने, दावे मोहब्बत कुछ नहीं अहले वफा के सामने, सारे नजदी हेच हैं अहमद रजा के सामने। वाह वाह वाह, नारा नहीं लगाओगे यार, सारे नजदी हेच हैं अहमद रजा के सामने। बाबू मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात करो, मसलक इसमें आवाज भावी, इसमें आवाज आवाज दीजिए, शेर सुनिए, बहुत भारी शेर है ये, मुझे मालूम है आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा, दुआ देंगे, दुआ देंगे। मसलक
फिर खुल के बात हो, मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? बाबा बाबा हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ? हम जानते थे ये आपको पढ़ने नहीं। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद। इज्जत काढ़ा शेख फैजान बाबू, ऐ गुनाह धुलने का पानी मसलके है मजादा। नहीं समझ में आएगा, ये रुक जाऊंगा। ऐ गुनाह धुलने का पानी मसलके अहमद रजा, आ नहा ले इस नदी में पारसा हो जाएगा। आ नहा ले इस नदी में पारसा हो जाएगा, इतना भारी नहीं खा जाएगा। आ नहा ले इस नदी में पारसा हो जाएगा। अशारी शेर तो शायर कहते हैं, शेर तो शायर कहते हैं, मैं तो आशिक हूँ दर्द दिल कहता हूँ। क्या कहना है? शेर तो शायर कहते हैं, मैं तो आशिक हूँ दर्द दिल कहता हूँ। ये शेर उड़ीसा में नहीं चलेगा मुझे मालूम है, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले तुम्हारे। ओम नमः स्वाहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये हम नहीं बोलेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक लाइन बता दिया। देखिए, हिंदुस्तान से बाहर नए हिंदुस्तान की सरहद को बुर करने वाला, नेपाल से हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान खतीब, जिन्होंने आपकी आवाज पे लबैक किया है, इस्लामी शहजादा, इस्लामी स्कॉलर, इस्लामी आलिम दीन आपके बीच तशरीफ ला रहे, जिसको आपने बुलाया है, और बहुत दूर से एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद आपके शहर, आपके वतन अजीज में तशरीफ लाए हैं। वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने दुनिया के तमाम चतुर्वेदियों से एक चुपचाप सवाल पूछा कि भैया चतुर्वेदी हजरात, कुरान से बड़ी दुनिया में कोई किताब नहीं, कुरान के बाद हदीस मुबारक में बुखारी शरीफ से बड़ी कोई किताब नहीं। ए मियां, कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, बुखारी शरीफ से कोई बड़ी किताब नहीं, तो फिर कुरान, वेद, पुराण और पता नहीं कौन कौन थी उनकी किताबें, अब पढ़ते क्यों हो? दुनिया को बताने चाहते क्या हो? तो हिंदुस्तान के तमाम चतुर्वेदियों ने एक कबात होकर मेरी कलाई पकड़ कर कहा, चल मियां तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है कि मेरे नबी का तज़किरा कुरान में है, इस्लाम की तमाम किताबों में है, किन चुनो चुनो मियां, मेरे नबी का तज़किरा सिर्फ इस्लामी किताबों में नहीं बल्कि उनकी किताबों में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान, उनकी किताबों में। कौन किताब में, किस चैप्टर में, कौन सा श्लोक है, कौन सा भेद है, वो कौन सी लाइन है, और कहां कहां मेरे सरकार का तस्किरा है, यही बताने के लिए चतुर्वेदी जी को बुलाया गया है। अब ये पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? ओम नमः स्वाहा। इसके मानी हमने, ये संस्कृत बोलते हैं, हमारा सब सर के ऊपर से गुजर जाए। आप लोग भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये बात समझ में आती है कि ये चतुर्वेदी अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, तो इसके रिसालत में नबी पाक की बोली बोलता है। जो नबी की बोली बोले, किसी जुबान में बोले, वो हर जुबान अच्छी लगती है। अब आ रहे हैं चतुर्वेदी जी, बुला दें। अरे बुला दें, कितना लोग नहीं सुनेंगे, हाथ उठाएं। अभी भी एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह यार। बुला देते हैं अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रजा साहब किबला मदसिल्लोहानी, नेपाली बाबू, नेपाली शहजादा कोहल चर्सीवानी। ये शेर के साथ, इस शेर के साथ आवाज दे रहे हैं कि फकीर जादे अनाप को आवाज दे रहे हैं। शेर सुनिए, गए
फकीर ज्यादे अना को आवाज दे रहे हैं, चिराग है और हवा को आवाज दे रहे हैं। फकीर ज्यादे अना को आवाज दे रहे हैं, चिराग है और हवा को आवाज दे रहे हैं। हमें आतिश फसा की चोटी पे घर बनाकर बरसने वाली घटा को आवाज दे रहे हैं। अब चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जोर से बोलो यार, सब लोग आला हजरत के नाम पे हाथ उठाएं और अपने हाथ को ऐसे हवा में लहराइए, ताली बंद बजाइएगा। कोई हाथ किसी हाथ से टकराना नहीं चाहिए, वरना बात किसकी आएगी पता है आपको। पूरा मजमा हाथ उठाए, ए लहराइए आप लोग, लहराइए हाथ को। एक जुमला सुनिए, जो हाथ नबी के नाम पे नबी की महफिल में उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं होता। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौतुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। ये बात याद रखे, खूबसूरत मंजर, रूह परवर मंजर, एक ऐसी एक ऐसा नजारा जिसे आंखें देखने के बाद अगर बिना भी आंख हो तो अल्लाह नबी पाक के सदके में नाबीना को बीना बना देगा, नाबीना को भी अल्लाह बीना बना देगा। और ये लोग आज दस्तार जिन बच्चों की होगी वो पूरा कुरान सीने में उतार लिए, उसमें ऐसे छोटी उम्र के बच्चे हैं जो 12-14 साल के बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह का करम उन बच्चों के सीनों में मुकम्मल 30 पारे उतर गए। आज वो मंजर देखिएगा, वे जो चले जाएंगे आपसे ज्यादा मुझे मलाल होगा, उस रूप परमा मंदिर को देखेंगे। आइए, ये ऐलान कर दिया हमने, और ये भी ऐलान सुनिए कि काले नबी औलाद नबी आले रसूल औलाद रसूल हजरत से अल्लामा मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब कोलकाता से तशरीफ लाए हैं, उनकी जियारत खिताबत होगी इंशाअल्लाह इस वक्त हजरत मौला मोहम्मद इब्राहिम।